हियर, वेलकम टू ट्रीट योरसेल्फ। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ नागपुर का मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड तरी पोहा। इसमें दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक पोहा और एक तरी वाली काले चने की सब्जी, जो बहुत ही स्पाइसी और एकदम टेस्टी होती है। तो मैं आपको दोनों कंपोनेंट्स बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताने वाली हूँ। अगर आप वैसे ही बनाएंगे ना, तो आपको लगेगा एक्चुअली आप नागपुर की स्ट्रीट पर खा रहे हैं तरी पोहा। और हम लोगों की फ्लाइट भी नागपुर तक ही जाती है, होम टाउन हमारा नागपुर के पास ही है। तो सबसे पहले हम लोग तरी पोहा खाते हैं नागपुर में और फिर ही आगे जाते हैं। तो ये रेसिपी मैं आपको बहुत परफेक्ट तरीके से बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तरी वाले चने बना लेते हैं। तो एक कप मैंने यहाँ काले चने लिए थे, उसे मैंने 8 से 10 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था और अभी अच्छे से फूल चुके हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसका पानी भी निकाल दिया है। तो अब हमें चाहिए एक प्रेशर कुकर। सबसे पहली स्टेप में हमें चनों को बॉईल करना है, तो प्रेशर कुकर में सारे चने डाल देंगे, पानी डाल देंगे हम। जितने चने थे हम उसका 3 times पानी डालेंगे, मतलब 3 cup पानी डाल दिया, 1/2 tablespoon नमक। अब इसका हम लिड लगाएंगे, लेकिन लिड लगाने के पहले हम जो इसकी सीटी है ना कुकर की, इस पर थोड़ा सा हम घी लगा देंगे, ताकि ये जो चने का पानी है ना वो बाहर नहीं निकले। आप हमेशा कुकर की सीटी में थोड़ा सा ऑयल या तेल लगा देंगे, तो आपकी दाल या जो भी पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। और कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। अब 4 से 5 whistle आने तक पहले हम इसको हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और वापस उसको 5 minutes के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि हमारे चने अच्छे से गल जाएं। चने हमारे बॉईल हो गए हैं, तो एक बार कुकर का लिड ओपन करके चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम ये चने करते हैं साइड और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ानी है हमें। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। चने की जो सब्जी है वो तरी वाली बनने वाली है, इसके लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा तेल लगेगा, तो 2 बड़े चम्मच आप जरूर डालिए तेल के। तो तेल के ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे एक ऐसे लच्छे में कटा हुआ प्याज। आप प्याज को ऐसे ही काटिएगा, बिकॉज प्याज को हमें ब्राउन करना है। तो आप अगर ऐसे उसे काटेंगे ना, तो बरिस्ता की तरह बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा आपका प्याज। अब हम हाई फ्लेम पर ही प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, जैसे हम बिरयानी के लिए बिरिस्ता बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आप प्याज को बीच बीच में स्टर करते रहिएगा, ताकि वो इवनली कुक हो। पोहे तो आप बनाते रहते होंगे घर में, लेकिन जब आपके यहाँ गेस्ट आए या कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी, आप कभी कभी ऐसे तरी वाले चने बनाइए पोहे के साथ, आपको खाने में बहुत मजा आएगा। प्याज हमारे गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन हमें इसे और गोल्डन करना है। बट इस स्टेज पर हम डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की, मैंने रफली चॉप कर दी है। 3 चम्मच छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया हुआ सूखा नारियल। आप नारियल को एकदम छोटे पीसेस में ही चॉप करें, तो वो ग्राइंड होने में अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। 2 tablespoon ले रही हूँ मूंगफली। अगर आप मूंगफली लाइक नहीं करते हैं या किसी रीजन से नहीं खाते हैं, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 inch अदरक, 1 हरी मिर्च। अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को गोल्डन होने तक फ्राई करना होगा। प्याज को गोल्डन होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हमने उसको पहले ही डाल दिया, और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स फटाफट गोल्डन हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने उसको बीच में डाला है। अगर आप पहले ही सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, लहसुन नारियल, तो क्या होगा ना, लहसुन और नारियल आपके बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएंगे और प्याज होगा ही नहीं। इसीलिए आप पहले प्याज को पका लें आधा और फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालें। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा करेंगे। आप फ्राई करने के बाद सारी चीजों को एक प्लेट में जरूर निकाल दीजिएगा। अगर आप उसे कढ़ाई में छोड़ देंगे, तो कढ़ाई गर्म है तो इसकी फिर ओवर कुकिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने फ्राई करके रखा हुआ था, हम वो डाल देंगे। हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐसे थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही फ्राई करना है, ये परफेक्ट है। अब मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ही हम डालेंगे कुछ मसाले। तो 2 tablespoon डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। ये तरी वाले चने स्पाइसी ही होते हैं, तो आप इसे थोड़ा स्पाइसी रखिए, तो ही मजा आएगा आपको खाने में। 1 tablespoon धनिया पाउडर,
हाफ टेबल स्पून हल्दी, एक बड़ा टेबल स्पून काला गरम मसाला। ये काला गरम मसाला है और ये बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है, मतलब महाराष्ट्र में तो मिल ही जाता है। और अगर आपको ये नहीं मिले तो फिर आप हाफ टेबल स्पून गरम मसाला यूज कर लीजिए, बट ये काला गरम मसाला ही इसकी स्पेशलिटी है। अगर आपके आसपास मिले तो आप इसे जरूर यूज करें। वैसे तो काला गरम मसाला आप घर में भी बना सकते हैं, ये बहुत इजीली बन जाता है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से ग्राइंड हो जाए। आप थोड़ा सा ही पानी डालिएगा ताकि आपको ग्राइंड करने में आसानी हो जाएगी। तो बस अब हमें इसे एकदम फाइन स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने ग्राइंड कर लिया है, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और वापस इसे ग्राइंड करेंगे ताकि और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। फर्स्ट टाइम में ही बहुत सारा पानी डाल देंगे ना तो आपने जो नारियल डाला था तो वो ग्राइंड होने में तकलीफ होगी, तो इसीलिए पहले आप थोड़ा कम पानी डालें, ग्राइंड करें और वापस से पानी डालकर फिर से ग्राइंड करें। तो लीजिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स का बहुत अच्छे से पेस्ट बना दिया है। अगर आपने तरी वाले चने के लिए ऐसा ही पेस्ट बना दिया तो आपके तरी वाले चने बहुत अच्छे बनेंगे। अब जिस कढ़ाई में हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में तेल बचा हुआ है, तो ये जो हमने पेस्ट बनाया ना मिक्सर ग्राइंडिंग जार में, आप वो सारा डाल दें। अभी हमें लो फ्लेम पर ये सारे मिक्सचर को 2-3 मिनट तक भूंजना होगा ताकि हमने जो सारे सूखे मसाले डाले हैं उसमें से अच्छे से फ्लेवर निकल जाए और वो सारे मसाले अच्छे से पक जाए। सिर्फ 2 मिनट ही ग्रेवी के मिक्सचर को भूंजने के बाद हम इसमें डालेंगे चने। मैंने चने अलग कर दिए हैं छानकर और पानी अलग कर दिया है। हम पानी भी जरूर यूज करेंगे, यही वाला, ये बहुत ही प्रोटीन रिच पानी है। लेकिन पहले हम सारे सूखे चने डाल देंगे इस ग्रेवी में और अब हम चने के साथ ही ये ग्रेवी को भूंजेंगे 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। अगर आपको लग रहा है कि चने और ग्रेवी काफी थिक हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर इसे भूंजना स्टार्ट करें। ये स्टेप आप जरूर कीजिएगा ताकि हमारे जो सारे काले चने हैं ना उसमें सारे मसाले का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमने चने में भी डाला है तो आप संभाल कर डालें ग्रेवी में। जो हमने इसमें काला गरम मसाला डाला है ना उसकी इसमें से बहुत ही जबरदस्त वाली खुशबू आती है। तो अब मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ ये चने का पानी। चने का तो सारा पानी हमने इसमें डाला ही, लेकिन ये तरी वाले चने हैं और इसकी ग्रेवी काफी लिक्विड होती है तो इसमें और पानी जाएगा, तो इसमें मैं और गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी ग्रेवी एकदम पतली होती है, हमें बस ऐसे ही वाली ग्रेवी चाहिए इसमें। अब हम हाई फ्लेम पर इस सब्जी को 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। हमारे तरी वाले चने हैं तैयार, तो गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसमें से काफी सारा ऑयल तो रिलीज हो चुका है। लास्ट में इसके ऊपर डालें खूब सारा ताजा कटा हुआ हरा धनिया और एक टमाटर में से मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं, तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। जो नागपुर की स्ट्रीट पर आप ये खाएंगे ना तरी वाले चने, तो उसमें ऐसे ही टमाटर डले होते हैं और हमें इनको पकाना नहीं है, बस आप कच्चे टमाटर डालकर छोड़ दें, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी गर्म है। अब हम इस पर लिड लगाएंगे और पोहे बना लेंगे। लिड लगाने के बाद जब ये सब्जी रेस्ट करेगी तो उसकी ग्रेवी में से और ऑयल रिलीज हो जाएगा। पोहे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 1 बोल मोटे वाले पोहे, तो सबसे पहले हमें इसे वॉश करना होगा। एक आप बोल ले लें, पानी डालकर सारे पोहे अच्छे से वॉश करें। पोहे को वॉश करना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारी गंदगी होती है। आप इसे फटाफट बस हल्के हल्के हाथों से हिलाकर वॉश कर लें और तुरंत एक स्ट्रेनर में हम इसे निकाल देंगे। जब तक हम पोहे के लिए मसाला बनाएंगे तब तक हमारे पोहे रेस्ट भी कर लेंगे। पोहे बनाने के लिए गैस पर आप चढ़ाएं 1 कढ़ाई। 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है हमें कढ़ाई में। ऑयल के गर्म होते ही 1/2 टेबल स्पून राई डालना है। 1-2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून मूंगफली, 10-12 लीव्स करी पत्ता, 1/2 टेबल स्पून सौंफ। आप सौंफ को पोहे में जरूर डालें, ये बहुत जबरदस्त टेस्ट देती है। बस इस तड़के को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे और आपको इस तड़के को तब तक सौते करना है जब तक मूंगफली में से पॉप होने की आवाज ना आए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज, इसको मैंने इसे स्लाइस में चॉप कर लिया है। 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही हम इस प्याज को सौते करेंगे। प्याज हमने 2 मिनट के लिए सौते कर लिया है, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 बॉइल्ड आलू, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। अब पोहे में सॉल्ट भी संभाल कर डालें, बहुत जल्दी सॉल्टी हो जाते हैं अगर थोड़ा सा ही सॉल्ट ज्यादा डल गया तो। और अब हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, आप पोहे में लाल मिर्ची तो बिल्कुल मत डालिएगा। आपको जितना स्पाइसी खाना है तो आप हरी मिर्ची ज्यादा डालिए, लाल मिर्ची डालने से पोहे का कलर खराब हो जाता है, आपके पोहे लाल लाल हो जाते हैं,
पोहे हमेशा येलो दिखने चाहिए तो ही मजा आता है खाने में। तो पोहे भी हमारे सोक हो गए हैं, आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे से सोक हुए हैं। पोहे हमेशा ऐसे होने चाहिए, मतलब एक एक दाना अलग अलग होना चाहिए। सारे पोहे इस मसाले के ऊपर डाल देते हैं। पोहे के ऊपर 1/2 टेबल स्पून शुगर। अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल पोहे खाने तो आप शुगर जरूर डालिएगा। जो स्ट्रीट पर मिलते हैं ना पोहे, वो थोड़े खट्टे मीठे और स्पाइसी इस टाइप के होते हैं। उसके ऊपर खूब सारा ताजा कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे। अब हम पोहे को क्विक मिक्स दे देंगे और बस फिर हमारे पोहे रेडी। पोहे डालने के बाद हमें पोहे को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस 1 मिनट के लिए ही आप इसे मिक्स करें और गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। पोहे हमारे रेडी हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम भी मैं ऑफ कर रही हूँ। तो अब इसको भी लगाते हैं लिड और चलिए अब सर्व करने की तैयारी करते हैं। तरी पोहा के हमारे दोनों कंपोनेंट्स रेडी है। हमारे पोहे बहुत बढ़िया बने हैं और ये है हमारे तरी वाले चने। तो चलिए अब इसे प्लेट करते हैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल। तो जब स्ट्रीट पर वेंडर सर्व करते हैं तो सबसे पहले डालते हैं पोहे, उसके ऊपर पोहे का कच्चा चिवड़ा। वैसे तो आप कोई भी नमकीन डाल सकते हैं, लेकिन नागपुर की स्ट्रीट पर ये कच्चा चिवड़ा ही डाला जाता है। और उसके ऊपर ये तरी वाले चने, थोड़ा सा धनिया और प्याज का मिक्सचर, और सबसे लास्ट में नायलन वाला बारीक सेव। और उसमें हमने जो ये तरी वाली सब्जी में टमाटर डाले थे ना, वो ऐसे ऊपर से एक रख कर देते हैं। तो हमारा एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल तरी पोहा है तैयार। पोहे तो आप बनाते रहते होंगे, लेकिन आप इस रेसिपी से एक बार पोहे बनाकर देखिए और साथ में ये तरी वाले चने, मजा आ जाएगा आपको खाकर। तो ये रेसिपी को आप ट्राई जरूर करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।